दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास है दो मोबाइल और मेरे इस मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया हुआ है। इसे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर एक लिंक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने लिंक पर क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरे इस मोबाइल की स्क्रीन इस मोबाइल पर दिखाई दे रही है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे ये वाले मोबाइल में भी व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं अपने फ़ोन में करूँगा तो सामने वाले बंदे को मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी आवाज़ भी आप ऑन कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले बंदे को आपकी आवाज़ भी सुनाई देगी। इस ट्रिक की मदद से दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं और सामने वाले बंदे को कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से आप अगर किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप आसानी से सिखा सकते हैं। आप चाहे तो कॉल लगा कर भी अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, आपकी आवाज़ सामने वाले बंदे को सुनाई देगी, सामने वाले बंदे की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इस तरह से आप इंटरनेट पर कुछ भी सिखा सकते हैं किसी को भी अपने मोबाइल स्क्रीन शेयर करके। तो अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम है वानी। इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन इसमें एक न्यू अपडेट आया है जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अब यहां पर दोस्तों आपको स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए आपको यहां पर ये वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको शेयर स्क्रीन का एक बटन मिलेगा, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, फिर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर से यहां पर दोस्तों शेयर लिंक पर आपको क्लिक करना है और आपको उस बंदे के साथ इस लिंक को शेयर कर देना है जिसके साथ आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं फिलहाल व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर हम इसे कट कर देते हैं। यहां पर दोस्तों मैं जिसके साथ शेयर करना है मुझे अपनी स्क्रीन, उसे सेलेक्ट करके उसे ये लिंक शेयर कर देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर अपना मोबाइल ओपन करता हूं, सॉरी व्हाट्सएप को ओपन करता हूं। यहां पर ये लिंक आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही दोस्तों मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरे मोबाइल की स्क्रीन यहां पर इस बंदे को दिखाई दे रही है। अब यहां पर दोस्तों मैं जो भी करूंगा सामने वाले को दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहां पर आपके इंटरनेट की स्पीड जैसी होगी उसी तरह से यहां पर आपको स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, म्यूट और पॉज का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो यहां पर अपनी आवाज को भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस फीचर का यूज कॉल पर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इसे कट करना है तो आपको यहां पर इसे एंड करना है, तो ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा काम नहीं करेगा। सामने वाला इस पर क्लिक करेगा तो आपके मोबाइल की स्क्रीन दिखाई नहीं देगी।